आपका एसआर ट्यूटर की क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व ये करेंगे। तो जब हमने सिविक्स शुरू करी है तो हमने पहले लोगों की भिन्न भिन्न आदतों के बारे में जाना, किस तरह के लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि किस किस तरह की सरकार उन्हें रूल कर सकती है, कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पे लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है, तो हमने वो सब जाना। अब हम क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तो इसलिए हम लोकतंत्र पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो हम पहले दक्षिण अफ्रीका के एक एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। देखिए, इन चैप्टर्स में बहुत सारी बातचीत की जा सकती है, लेकिन हम क्योंकि अभी एनसीईआरटी पे फोकस है तो हम वही फोकस रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका, कई प्रजातियों के लोग साथ में रहते थे, श्वेत, अश्वेत, सांवला आदि, इनमें रंग भेद था। ठीक है, रंग भेद का मतलब क्या था? श्वेत व्हाइट, अश्वेत ब्लैक, क्या कहते हैं, सांवला, ठीक है, प्लस रेड इंडियंस और बहुत अलग अलग ट्राइबल लोग, बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे थे, लेकिन इन सब में डिफरेंस कर रखा था। ठीक है, किन्होंने कर रखा था? ऑब्वियसली ब्रिटिश जब वहां पे गया, ठीक है, कानून था कि श्वेत और अश्वेत भारतीय और अन्य प्रजातियों का संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। मतलब आप आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते, दोस्ती नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। इवन अगर आप गाड़ियां चला रहे हो तो आपकी गाड़ियां अलग होंगी, अगर आपके रास्ते बने हुए हैं तो अलग होंगे, आपके हॉस्पिटल, इवन आपके हॉस्पिटल के अंदर घुसने का रास्ता तो अलग ही है, लेकिन आपका हॉस्पिटल ही अलग है। ठीक है, तो बेसिकली आप जो आम सुविधाएं हैं बेसिकली वो ब्लैक्स को नहीं दी जाती थी, और सिर्फ ब्लैक्स को नहीं, और भी रेड इंडियंस हो गए, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, नहीं दी जाती थी। अश्वेत को वोट करना अलाउड नहीं था और उनके साथ भेदभाव होता था, और भेदभाव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे नेल्सन मंडेला, इन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया, 1944 में सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तो ये एग्जाम्पल हमने यहाँ क्यों पढ़ा स्टूडेंट्स? इसलिए पढ़ा क्योंकि हम अपना एग्जाम्पल भी पढ़ सकते थे, लेकिन जो जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने अपने आप को इतने भेदभाव से, वहां पे जिस तरह से स्लेवरी ने पार्ट लिया वो कहीं पर भी नहीं लिया। ठीक है, तो जिस तरह से इस देश ने अपने आप को निकाला, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हम अपने बीच में डिफरेंसेस और जो हमारे साथ पहले बुरा हो चुका है उसको भूल के एक नई लाइफ आगे चला सकते हैं। भागीदारी, सभी सरकार निश्चित समय के लिए चुनी जाती है। भारत में आपको पता ही है 5 साल, आजकल तो चुनाव चल रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रही हूँ, चुनाव में लोग अपनी ताकत महसूस करते हैं, तो इलेक्शंस आर अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इलेक्शन एक तरीके का फेस्टिवल त्योहार होता है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। क्यों? उस टाइम पे जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, जो कहीं पॉलिटिक्स से वैसे नाता नहीं रखते, हमें अपनी ताकत का एहसास होता है कि अब हम जाके वोट दे सकते हैं, और अगर मुझे इस बंदे का काम अच्छा नहीं लगा या इस लेडी का काम अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूंगी, उसे हटवा सकती हूँ। सरकार की आलोचना, अब देखिए, एक तो हो गया कि भाई आप चुनाव में वोट दीजिए, दूसरा तरीका जिससे आप अपनी पावर फील कर सकते हैं वो है धरना, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, ये सारे, मतलब साइन पेटिशन जिसे कहते हैं, साइन करवाते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स धरना में बैठते हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी कभार बैठ जाती है, ठीक है, कभी कभार नॉर्मल लोग बैठते हैं, कभी कोई बैंक के लिए बैठ रहा है, कोई कभी किसी चीज के लिए बैठ रहा है। तो ये एक तरीके का तरीका होता है जब आप गवर्नमेंट आपको आंसर करे। अखबार, टेलीविजन से जनता के मुद्दे उठाए जाएं, लोग अगर रुचि लें, ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि लोग अगर रुचि लें तो लोकतंत्र मजबूत होता है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है। अगर आप और मैं जैसे जो स्टूडेंट्स है बेसिकली, वो ये कर दे कि यार हमें क्या पॉलिटिक्स है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे पॉलिटिक्स से क्या, तो ये गलत बात है। इससे क्या हो रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं वो जो रूल्स बनाए जाएंगे वो आपको भी इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। फिर है विवादों का समाधान, विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में रहते हैं तो तालमेल नहीं रहता। एक ही, अगर एक ही घर में चार लोग जो सेम फैमिली बिलोंग कर रहे हैं, सेम ब्लड लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, वो तो साथ में तालमेल नहीं बना पाते, लड़ाइयां करते हैं, तो आप सोचिए कि अलग अलग धर्म, क्षेत्र, खाने का तरीका, बैठने का तरीका के लोग कैसे रहते होंगे। तो लोगों में विवाद होता है और कभी कभार ये विवाद हिंसा का रूप ले लेता है, जो नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से हमें चीजों को सॉल्व करना चाहिए वो है बातचीत। भारतीय संविधान में नियम और कानून दोनों बने हुए हैं कि भाई अगर कोई विवाद आता है तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पे कर्नाटक का बांध है, यहाँ पे तमिलनाडु का बांध है, तो ये क्या होता है कि भाई ये लोग बोलते हैं कि इन्होंने कम पानी दे रहे हैं हमको,
ये बोलते हैं कि भाई हम तो उतना ही दे सकते हैं क्योंकि फिर हमारे को यूज क्लेम रहेगा, तो इनके बीच में क्या रहती है हमेशा लड़ाई। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारे विवाद है। तो भाई हमारे संविधान में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लिख रहे थे संविधान, तभी उन्होंने इन सब चीजों के सोल्यूशन बनाए थे। अब ये सोल्यूशन नहीं दिया कि भाई इसमें ये हो तो ये कर लेना, नहीं, उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि आपको किसके पास जाना है। समानता एवं न्याय, लोकतांत्रिक सरकार में न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध है। जो लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक मतलब जो लोगों से चुनी हुई सरकार है, वो न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध है, उनको ये मानना ही पड़ेगा। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो। अगर मैं एक क्लास में बैठे 10 बच्चे हैं, 5 के साथ अलग व्यवहार कर रही हूँ, 2 के साथ अलग, उसे 1 के साथ अलग, 1 के साथ अलग, तो क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि सारे बच्चे इक्वल पढ़ेंगे? शायद वो भी मेहनत कर ले तो पढ़ भी ले, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिकल रियलिटी सेंस में ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली हम तभी बोल सकते हैं कि सबको न्याय मिल रहा है जब सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। अगर आप बोलोगे कि नहीं तुम तो इस कास्ट के हो, मैं तुमको ये FIR ही नहीं लिखने दूंगा, या मैं तुमको तुम्हारा केस मान ही नहीं रहा हूं, या तुम इस रिलीजन के तो नहीं मान रहे हो, या तुम इस जेंडर के तो नहीं मान रहे हो, तो भाई न्याय कैसे मिलेगा? जैसे छुआछूत की प्रथा समाप्त की गई, मंदिरों के दरवाजे खोले गए दलितों के लिए, ठीक है। तो सरकार, आप सब ये क्या बुक हमें बता रही है कि भाई सरकार उन समुदायों पे ज्यादा ध्यान दे जिन्हें अभी तक बराबरी का हक नहीं मिला। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, एक मैं आपको दे देती हूँ, औरत, ठीक है। औरतों को क्या समझा जाता था कि भाई ये अलग है, ये मतलब मेन के सेम लाइन पे नहीं चल सकती। बट आज औरत किस लाइन में नहीं है, डिफेंस से लेकर, टीचिंग से लेकर, डॉक्टर से लेकर, साइंटिस्ट से लेकर, एक्सपोर्ट से लेकर, मेकअप से लेकर, और मेन मेकअप में है और मेन मॉडलिंग में है, सब एक दूसरे के साथ क्या हो चुका है, इंटरमिंगल हो चुका है, सब एक दूसरे में घुल चुका है। तो बेसिकली अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे लड़कियों के लिए यहां तक की एजुकेशन फ्री कर दी इस उम्र तक, बहुत सारी स्टेट्स में ये चीज है। लड़कियों को और ज्यादा पढ़ाने के लिए उनको बोला गया कि भाई अगर आप ये जॉब करोगे तो हम आपको और ज्यादा उसमें बेनिफिट देंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें की गई। तो ये बहुत आसान चैप्टर था स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, SR Tutor को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।